गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सहपऊ में स्थित पिहुरा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर है। लगभग 3000 की आबादी व 1100 वोटरों द्वारा वासुदेव शर्मा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 180 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 170 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान वासुदेव शर्मा, ग्राम पूरा, ब्लॉक सहपुर, तहसील सालावाद, जिला हाथरस। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में गांव में जो एक नगला बघेल है, एक पीवा है, इसमें 6 गलियां छोटी बड़ी करीब 6 गली कराई हैं इंटरलॉकिंग, और एक तालाब है, तालाबों के लिए पक्के वो बनाए हैं नाले, 1, 2, 3, 4 नाले बनाए हैं। और जो रास्ते में जो गड्ढे थे उनको करा के उनको पटवा दिया है और नल लगवा दिए, नलों की मरम्मत का सब कराई है, सबकी यथासमय से उद्धि रहती है। और मैं अपने ग्राम पंचायत के लिए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तो एक साल से सफाई कर्मचारी नहीं है। सफाई कर्मचारी के लिए मैंने DPRO महोदय, CDO महोदय सबसे मैंने गुजारिश कर ली है, लिख के भी देके आया हूँ, पर आज तक एक साल से कोई पोस्ट नहीं किया है। पहले सफाई कर्मचारी था, वो भी काम नहीं करता था, एक दिन आता था, 6 दिन नहीं आता था। मैंने उसकी शिकायत की तो सस्पेंड हो गया, उसके बाद आज तक पोस्ट ही नहीं हुआ एक साल तक। दूसरी चीज, मेरे गांव में जो आवास हैं, गरीब लोग बहुत हैं, उनके लिए ये अपना प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए, कोई बारात घर नहीं गांव में, बारात घर बनना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए और अपना पंचायत भवन भी नहीं है, पंचायत भवन बनना चाहिए।